एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आप सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, इट्स अ अबैनिक हॉल। एंड मैंने अबैनिक से बहुत टाइम के बाद कुछ शॉपिंग करी है, सो आई एम एक्साइटेड टू शो यू एवरीथिंग। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाई, इट्स मी मंशा। आई मेक अ लॉट ऑफ फैशन रिलेटेड वीडियोज, हॉल वीडियोज, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ कंटेंट देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। That I've got is this beautiful corset. बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, and ये मुझे देखते ही बिल्कुल ऐसे पसंद आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मैंने इसको Pinterest से निकाल के अपने पास ले लिया है। It is so Pinteresty. Majorly इसके जो color combination है वो मुझे अच्छा लग रहा था, like this very pastel pink color flowers, पेस्टल ग्रीन कलर, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग कलर कॉम्बिनेशन है, एंड वाइट एंड ऑफ वाइट शेड है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो या आई रियली लाइक इट। मैंने इस वाले कॉर्सेट को अपने बर्थडे पे पहना था विद अ ब्लू बैगी जीन्स एंड साथ में एक पर्ल चोकर। बहुत ही मिनिमल लुक था बट इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपको अपने बर्थडे पे कुछ एक्स्ट्रा पहनने का मन नहीं है और बहुत ही सिंपल सा आउटफिट पहनना, आई थिंक उस टाइम के लिए इस टाइप के कॉर्सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। गिव्स दैट सॉफ्ट गर्ल एस्थेटिक। एंड आई गॉट दिस फॉर 816 रुपीज। इनफैक्ट आप इसको किसी और के बर्थडे पार्टीज में भी पहन सकते हो, वेकेशन पे स्टाइल कर सकते हो। सो इट्स वेरी वेरी वर्सेटाइल। एंड पीछे इसमें इस तरीके से हुक्स भी दे रखे हैं। सो या ऑल इन ऑल लव दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक बहुत ही रैंडम प्रोडक्ट है, मुझे पता नहीं मैंने क्यों लिया। आई थिंक मैंने काफ़ी लोगों को स्किन केयर वीडियोस में इस तरीके का हेयर बैंड लगाते हुए देखा था, दैट वाज द रीज़न आई गॉट दिस। एंड H&M पे ये वाला हेयर बैंड काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे था। इसके अलावा मैंने किसी और वेबसाइट पे इसको नहीं देखा था, सिर्फ H&M पे पहले देखा था एंड उस पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। बट आई गॉट दिस फॉर जस्ट 165 रुपीज़ फ्रॉम अबैनिक। ऐसा फर वाला हेयर बैंड है, सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे ये मिल गया। एंड जब आप ऐसे स्किन केयर वीडियोस करते हो ना, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड इस तरीके के ह्यूज हेयर बैंड्स ट्रेंड में है बट H&M पे बहुत ज़्यादा प्राइस में था, सो मैंने सोचा कि अगर इस पे एक अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा है देन आई कैन गेट दिस। सो या इसको लेने का और कोई भी रीजन नहीं था, बस ये ट्रेंडी है एंड आई वॉज गेटिंग इट फॉर 165 रुपीज, सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट। आई हैव गॉट दीज टू नाइट सूट सेट्स, ये मुझे बाय वन गेट वन ऑफर में मिले थे, सो 300 समथिंग रुपीज ईच। एंड बहुत ही क्यूट नाइट सूट सेट्स हैं ये। पिंक वाला तो मैं घर में बहुत बार पहन चुकी हूँ, इट्स सो कम्फर्टेबल। एंड बहुत ही क्यूट से प्रिंट्स हैं इसमें, लाइक इस पिंक वाले में यू हैव दिस डोनट्स डिज़ाइन एंड इस वाले में यू हैव दिस मून एंड स्टार प्रिंटेड। सो पर्सनली मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू द पिंक वन। एंड इस पिंक वाले के साथ ना ये क्यूट सा एक आई मास्क भी है इन द सेम प्रिंट, वेरी वेरी क्यूट। वाइट वाले के साथ नहीं है बट पिंक वाले के साथ था एंड इट्स सो कम्फर्टेबल। समर्स में इस तरीके के नाइट सूट सेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड पर्सनली अब मुझे ऐसे मैचिंग सेट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली एक स्कूप नेक टी शर्ट है एंड ऑब्वियसली द शॉर्ट्स, एंड एज आई टोल्ड यू मुझे ये वाला सेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। और भी दूसरे प्रिंट्स में अवेलेबल है, सो इफ यू आर गेटिंग इट ऑन द बाय वन गेट वन ऑफर देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। थिंग आई हैव इज दिस शेयर बॉडी सूट, एंड 2023 में यू विल सी अ लॉट ऑफ शेयर क्लोदिंग, इट इज अ ट्रेंड ऑफ 2023। सो बहुत सारी चीज़ें लाइक टॉप ड्रेसेज यू विल सी इन द शेयर फैब्रिक। आई हैव गॉट दिस बॉडी सूट एंड इसमें इस तरीके से स्ट्राइप्स वाला डिटेलिंग है। आई गॉट इट इन दिस ब्लैक कलर एंड इसका बैक भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ऑफकोर्स ट्राई ऑन क्लिप्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। एंड आई गॉट दिस फॉर 745 रुपीज़। एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो, इन साइड यू कैन वेयर लाइक अ ट्यूब ब्रा और लाइक अ ब्रालेट और समथिंग लाइक दैट। एंड कैमी टॉप के साथ भी अच्छा लगेगा, मैंने वीडियो में एक कैमी टॉप ही पहना है इसके साथ, बट ज़रूरी नहीं आप ब्लैक के साथ ही स्टाइल करो, यू कैन ऑल्सो वेयर समथिंग कलर्ड इन साइड, हाईलाइट होगा अच्छे से, सो इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी। एंड ब्लैक इज़ अ वर्सेटाइल कलर, सो बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो एंड वेरी वेरी
प्रिटी पीस एंड मेरे पास इस तरीके का कुछ भी नहीं था. सो या आई गॉट दिस एंड इट गिव्स दैट रियली बोल्ड लुक. सो इफ यू आर इन टू दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. आई हैव अनदर बेसिक टॉप बट इन दिस स्ट्राइकिंग ब्लू कलर, इन दिस कोबाल्ट ब्लू कलर. एंड अगर आप कलर ब्लॉकिंग करते हो ना अपने आउटफिट्स के साथ, सो ये कलर है जो आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए बिकॉज बहुत तरीके से आप इस कलर को स्टाइल कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली इस टाइप के कलर्स ना मैं पहले कभी भी पिक नहीं करती थी. हमेशा मुझे लाइट एंड सटल कलर्स ही अच्छे लगते थे. बट रिसेंटली मुझे ऑरेंज, ब्राइट ब्लू कलर लाइक दिस कोबाल्ट ब्लू, ब्राइट ऑरेंज कलर, पॉपी कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. एंड आई एम लविंग दैट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके के कलर्स के साथ अपने आउटफिट्स को स्टाइल करना. एंड या आई रियली लाइक इट एंड बहुत ही अफोर्डेबल था ये टॉप. इट्स जस्ट फॉर 472 rupees. सो या लव दिस वन, परफेक्ट अफोर्डेबल समर टॉप एंड बहुत ही कैजुअल लुक देता है ये. सो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहेगा. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस ओवरसाइज टी शर्ट इन दिस वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर. बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है एंड इसका जो ये येलो कलर के साथ कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लव द प्रिंट एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये भी मुझे मिल गई थी. इट वॉज जस्ट फॉर 345 rupees एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है. एंड मीडियम साइज में मैं मोस्टली लेती हूँ अपनी ओवरसाइज टी शर्ट्स बिकॉज मुझे वो थोड़ा बैगी लुक पसंद है. बट आई गॉट दिस इन द स्मॉल साइज एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है. अगर मैं मीडियम लेती तो थोड़ा और ज़्यादा बैगी हो जाता एंड थोड़ा एक्स्ट्रा लगता वो. तो मुझे यही सही लग रहा है एंड आई थिंक स्मॉल साइज इज लाइक परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ ओवरसाइज लुक. ओवरसाइज टी शर्ट्स को तो हम बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं एंड पर्टिकुलरली ये वाला प्रिंट मैंने काफ़ी सारी विंटर हुडीज पे भी देखा है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. बट मुझे टी शर्ट पे जब ये प्रिंट दिखा एंड आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन सो आई थॉट ऑफ गेटिंग इट. एंड या मैंने और ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है. दिस इज़ द लास्ट थिंग फॉर टुडे. कॉमेंट सेक्शन में बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. आई वुड लव टू नो दैट. इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इन केस यू वांट टू चेक एनी प्रोडक्ट यू कैन डायरेक्टली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड कुछ कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी स्टाइल कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, यू कैन चेक दैट ऑल्सो. बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं एंड आई विल पोस्ट द इंस्टाग्राम रील्स वेरी वेरी सून. सो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर. आई विल कीप द हैंडल ऑन द स्क्रीन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.